पौड़ी जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण कुमार ने स्वास्थ्य केंद्र दुगड़ा से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित 6 कर्मिकों का स्थानांतरण किया है। दरअसल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लंबे समय से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी समेत मेडिकल और गैर मेडिकल स्टाफ के स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही बरतने और घोटाले की शिकायतें मिल रही थी। साथ ही गर्भवती महिला के प्रसव के दौरान NHM कर्मचारियों ने पल्स पोलियो अभियान के दौरान निजी वाहनों की भी शिकायत की, जबकि हर दिन उपस्थित कार्मिक को रजिस्टर में जबरन अनुपस्थित दिखाया जा रहा था, जिसकी जांच अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से करवाई गई तो जांच में सभी आरोप सच साबित हुए। ऐसे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी समेत 6 स्टाफ का स्थानांतरण किया है। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्घटना में काफी समय से अनियमितताओं की शिकायतें लगातार आ रही थी। कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाते थे, उनका वेतन आहरित हो जाता था, अन्य भी और कई प्रकार की अनियमितताएं आ रही थी। विभाग के जितने भी कर्मचारी थे सब आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग वाला काम हो रहा था, तो काफ़ी समय से ये स्थिति बनी थी। मेरे द्वारा कई बार उनको मौखिक और लिखित रूप में भी उनको चेतावनी जारी की गई है। तो फिर इसी संबंध में एक मीडिया कर्मी द्वारा भी जिलाधिकारी महोदय को भी शिकायत की गई थी इस संबंध में, तो उसका संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा वहाँ पर जांच कराई गई और जांच अधिकारी द्वारा जो अनियमितताएं पाई गई उसके संबंध में मेरे द्वारा उनसे जितने भी उसमें कर्मी लिप्त थे सभी को तत्काल प्रभाव से वहाँ से हटाते हुए अन्य जिले में अन्यत्र जो है उनको समायोजित कर दिया है, और जो एक दो लोग हैं उनसे थोड़ा सा रिकवरी वाली भी बात की गई है। और मेरा मानना यह है कि इससे जो है वहाँ पे नए जब स्टाफ